तो आज हम पढ़ रहे हैं कंडीशनल लॉजिक के बारे में, कंडीशनल लॉजिक। अब कंडीशनल लॉजिक की बात की जाए तो यहाँ पर हम कहते हैं एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर। अब डिसीजन मेकिंग पावर, जितने प्रोग्राम सभी हम तक किए तो डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास था, प्रोग्राम जस्ट उसको फॉलो कर रहा था, जो भी कोड हम उसको दे रहे थे वो उसको क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास था। जब शिफ्ट करेंगे डिसीजन मेकिंग को प्रोग्राम की तरफ, तो हम क्या करेंगे, तो वहां पर फिर आता है इस्तेमाल कंडीशनल लॉजिक। अब कंडीशनल लॉजिक में काफी सारी स्टेटमेंट यूज होती है, इफ है, एल्स है, ठीक है, एल्स इफ है, ठीक है, इसके अलावा स्विच है, इसके अलावा आगे चलेंगे तो और भी है, वो एक और ऑपरेटर है, उसको भी यूज करते हैं, लेकिन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये तीन तो आपको मिलने वाले ही है, इफ, एल्स, एल्स इफ। अगर मैं इसकी सही तरतीब में लिखूं तो इफ, ठीक है, इफ के साथ इस्तेमाल हो सकता है एल्स, ठीक है, इसके आगे लिख देता हूं, और इफ के साथ इस्तेमाल हो सकता है मोर देन टाइम एल्स इफ, ठीक है, और इसके साथ इफ के साथ एल्स इफ भी इस्तेमाल हो सकता है और एल्स भी इस्तेमाल हो सकता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि इफ डायरेक्टली भी यूज हो सकता है, इफ एल्स के साथ भी यूज हो सकता है, लेकिन एल्स डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता, इफ एल्स इफ के साथ यूज हो सकता है लेकिन एल्स इफ डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता, इफ एल्स इफ और एल्स के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है लेकिन एल्स इफ और एल्स डायरेक्टली दोनों इस्तेमाल एक साथ नहीं हो सकते। ये इसकी बुनियाद, बेसिक चीज आपको समझ लेनी है, मतलब इफ डायरेक्टली हो सकता है, इफ एल्स के साथ हो सकता है लेकिन एल्स डायरेक्टली नहीं हो सकता, इफ एल्स इफ के साथ हो सकता है लेकिन एल्स इफ डायरेक्टली नहीं हो सकता, इफ एल्स के साथ इस्तेमाल हो सकता है लेकिन एल्स इफ दोनों डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हो सकते, मतलब विदाउट इफ नहीं इस्तेमाल हो सकते, ठीक है। अब ये कंडीशनल लॉजिक क्या है भाई, डिसीजन मेकिंग यही होती है कि फैसला करने की सलाहियत कि किस टाइम पर मुझे क्या डिसीजन लेना है। अब हम आते हैं इसको समझने के लिए, हम अपने पास अपना एक प्रोग्राम खोलते हैं जो हमने सबसे फर्स्ट प्रोग्राम हमने बनाया था, तो यहाँ से मैं डेवलपमेंट का कंपाइलर ऑन करता हूँ और यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। अच्छा, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो डेव सी प्लस प्लस जो कंपाइलर हम यूज़ कर रहे हैं IDE, ये चेंज भी हो सकता है, हम इसकी जगह VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और ये विजुअल कोड ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी कई तरह के कंपाइलर्स आते हैं, IDEs आते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। आजकल YouTube पे जितनी वीडियोस आ रही हैं उन पे ये यूज़ कर रहे हैं लोग बाग, ये थोड़ा इससे पहले वाले दौर में यूज़ हो रहा था, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपकी बेसिक जो फाउंडेशन है वो किसी पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं सी के कोड को, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए शायद इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, उसका कोड को लाइव करने के लिए कुछ चीज़ें अपडेट करनी पड़ती हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाते हैं दोबारा से, तो हमने यहाँ से खोला और हमने अपना पहला वाला प्रोग्राम फाइल में जाके यहाँ से ओपन किया, और ओपन करके हम यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में गए। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद हमने जहाँ पे अपने प्रोग्राम को सेव किया था वहाँ से हम ब्लॉसम के फोल्डर में चले गए। यहाँ जाने के बाद हमने देखा कि हमने एक इस पे स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर बनाया था, आई थिंक सो क्लास 02 में बना लिया था, नहीं क्लास 02 में नहीं बनाया था, क्लास 03 में, नहीं क्लास 04 में, ओके। इस प्रोग्राम को अगर मैं आपके सामने भी रन करता हूँ तो यहाँ पे जैसे हमने इसको रन किया तो देखें आपके सामने ये आ गया, तो इसमें लिखा रहा है कि देखिए यहाँ लिखे क्या रहा है, स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर, और फिर विंडोज के मार्क्स लिखे हुए आ रहे हैं, वर्ड के मार्क्स लिखे हुए आ रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि इसको इनपुट के काबिल बना दें, तो आपने इसके अंदर सी इन फंक्शन के जरिए इनपुट भी लिया, और ये हमें टोटल और परसेंटेज तो दे रहा है, पर इसमें एक चीज मिस है, क्या मिस है, ग्रेड शो नहीं कर रहा ना ये, ग्रेड शो करने के लिए तो डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ेगी। ग्रेड को अगर प्रोग्राम खुद से कैलकुलेट करेगा तो यहां पर प्रोग्राम को डिसीजन मेकिंग पावर देना पड़ेगा, ठीक है। अभी डिसीजन मेकिंग पावर मेरे पास है तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, सिंपली मैं यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ पे एक सी आउट की स्टेटमेंट लगाऊंगा, सी आउट लेस देन न्यू लाइन तो लगा हुई है, तो यहाँ लिख देता हूँ ग्रेड, और इसके मार्क्स बन रहे हैं जितने भी, उसका मैं ग्रेड बना देता हूँ A1, ठीक है, यहाँ सेमी कॉलन लगा के इसको F11 कर देते हैं, क्या होगा, इट मींस कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, ह्यूमन के पास है ना, यूजर के पास है, मशीन के पास नहीं है,
हमारे प्रोग्राम के पास ये सलाहियत नहीं है कि वो ग्रेड कैलकुलेट कर सके। ये सलाहियत उसके अंदर अगर डालनी है, अगर उसको इस काबिल बनाना है, इसको ये एबिलिटीज में उसके अंदर ट्रांसफॉर्म करनी है, तो हमें कुछ कोड करना होगा। कोड करने से पहले उस कोड को लर्न करना होगा। तो मैंने अभी आपको वो की तो बता दी कि भाई इस तरीके से होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ और चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। अब इसमें मैं आपको कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बताता हूँ, पहले इसको भी समझ लेते हैं, और यहाँ से हम C++ के अंदर चलते हैं। और यहाँ मैंने कुछ ऑपरेटर्स के नाम से एक फाइल सेव कर रखी है। देखते हैं जरा इसको। अच्छा, ये आ गया टर्बो सी ऑपरेटर्स। इनको याद कर लें, और ये तकरीबन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इनके नाम यही होते हैं। काम को हम आहिस्ता आहिस्ता जब सीखते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा। जैसे इस निशान को हम क्या कहते हैं, हैश भी कहते हैं और बफर साइन भी कहते हैं। इस साइन को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, मतलब सेमी कॉलन इसका जनरल इंग्लिश जेनरिक नेम है ना, और लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको हम कहेंगे जावास्क्रिप्ट में और सी में, सी प्लस प्लस में और जावा में, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। और ये कहाँ आएगा, एट द एंड ऑफ ईच स्टेटमेंट। उसके बाद ये क्या है, सिंगल कोट्स, और ये ओके। अब इनको हम कहते हैं क्या, किसको कह रहे हैं, मॉड्यूलस, ठीक है। ये सारे क्या कहलाते हैं, एरिथमेटिक, याद कर लें इसको, ठीक है। उसके बाद क्या कहलाता है, ये कहलाता है यहाँ पे एरिथमेटिक में, ये भी आ रहे हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डबल प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये किसमें आ रहा है, ये भी एरिथमेटिक ऑपरेटर का पार्ट है, ठीक है। अब आ जाए यहाँ के, इसको क्या कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो दो ऑपरेटर के दरमियान में अपना रिलेशन शो करेंगे, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। और इनको हम क्या करने जा रहे हैं आगे, ये देखें, लॉजिकल, लॉजिकल एंड, सी और सी प्लस प्लस में ये इस तरह से यूज होता है, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, ठीक है। समझ में आ गया इन ऑपरेटर का नाम, काम अभी आपको प्रैक्टिकल में समझाएंगे क्या होता है इसका, सही है, क्लियर हो गई बात। ये तो इफ कंडीशन भी समझ में आ गई और ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं इसके सिंटैक्स के ऊपर, कैसे करेंगे सर, प्रोग्राम को करना आना चाहिए ना। देखें, आपने सबसे पहले ग्रेड निकालना किसमें सीखा था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो उसको आपने ग्रेडिंग टेबल बना के दिया था, तो एक्सेल को भी ये पावर आपने दिया था कि वो खुद कैलकुलेट करे, एम आई राइट और रॉन्ग, सही है ना। तो फिर आपने क्या किया था, एक पूरा चार्ट बना के दिया था। अब इसको चार्ट कैसे बना के दें, इसको चार्ट नहीं बना के देंगे, सबसे पहले हम सी इफ कंडीशन का स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे पहले सीखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे इफ, स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट, इसमें बताएंगे इसकी कंडीशन जो कि हमें टेस्ट करवानी है, ओके। फिर अगर एक ही स्टेटमेंट में चेक हो जाएगा तो इसके नीचे कर्ली ब्रैकेट्स देने की जरूरत नहीं है, ये कहलाती है बॉडी, बॉडी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखनी है तो बॉडी देने की जरूरत है, उसमें तीन चार स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर एक ही स्टेटमेंट तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने कहा कि इफ चेक करो, क्या चेक करें भाई, उसको बताएं तुझे, चेक किसको करवाएंगे, आपका क्या ख्याल है, टोटल मार्क्स को चेक करवाएंगे पीईआर वाले वेरिएबल को चेक कराएंगे, या मार्क्स एसओबीटी वाले ओबीटी वाले वेरिएबल को चेक कराएंगे, हाँ पीईआर वाले वेरिएबल को चेक कराएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली परसेंटेज में वो वैल्यू आ रही है, तो हम यहां कहेंगे चेक करो इफ पीईआर, इफ पीईआर ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब कौन सा ऑपरेटर यूज किया मैंने यहां पे, जल्दी से नाम बताएंगे, नहीं है, कौन सा, अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज किया, शाबाश। कौन सा ऑपरेटर यूज किया था हमने, रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया ना, सही है ना, ऐसे आएगा टेस्ट में ना, ऐसे फंसाएंगे तुम्हें वो, ठीक है, याद कर लो इसको, इसलिए पढ़ाया था सारा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इफ पीईआर चेक करो, अगर पीईआर वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर है और डबल चेक हो रहा है या इक्वल है 90 को क्या कहेंगे, क्या है ये, अच्छा चले एक मिनट, सवाल है इसमें
वेरिएबल कौन सा है और लिटरल कौन सा है, बताइए। एक मिनट, वेरिएबल कौन सा है, लिटरल कौन सा है, हैंड्स अप कर ले जल्दी, ये बताएंगे। हाँ भाई, इन दोनों में वेरिएबल कौन सा है, लिटरल कौन सा है? हाँ हाँ समरीन बताएंगी। ही हु हुई हु नाला बताओ। हाँ, जो के PER है ये वेरिएबल है, और जो 90 है वो हमारा लिटरल है, ठीक है ना। कौन सी टाइप का लिटरल है कशिश? शाबाश, ठीक है ना। और लिटरल का सिनोनिम क्या है, लिटरल का सिनोनिम क्या है? कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गई। तो वेरिएबल ये किस तरह का है, हमारा PER जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, जरा थोड़ा सा स्पेसिफिक, लॉन्ग, ठीक है ना, ठीक सही है। तो यहाँ पर आ जाते हैं आगे, और यहाँ पर जाके हम क्लिक करेंगे, एंटर करके नीचे आ जाएंगे। अब करना क्या है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या करना है, तो हम इसको एक कह रहे हैं भाई तुम ये आउट कर दो, सी आउट, और यहाँ पे दिखा देना ग्रेड कॉलन A1, और यहाँ पे देंगे आप सेमी कॉलन, और यहाँ पे देंगे एंड लाइन, ठीक है। बस इतना काम उसने कर देना है। तो जैसे प्रोग्राम को रन करते हैं, तो प्रोग्राम को रन करने पे इसकी जो परसेंटेज बन रही है 79 बन रही है, इसी वजह से उसने स्टेटमेंट को ही रन नहीं किया। तो डिसीजन मेकिंग पावर आ गया आपके प्रोग्राम के पास। अगर मैं डायरेक्ट सी आउट लिखता तो जैसे पहले प्रिंट कर रहा था, कर देता वो स्क्रीन पे, लेकिन अब नहीं किया उसने, क्योंकि कंडीशन को मीट ही नहीं हुआ क्राइटेरिया से। जब क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो नीचे वाला कोड भी नहीं लिखा। अब यहाँ पे एक लाइन का कोड लिखेंगे, 10 लाइन का कोड लिखेंगे, वो उसी वक्त परफॉर्म होगा जब यहाँ क्राइटेरिया को मीट करेगा, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि नहीं यार ये वाला तो नहीं हुआ, तो मैं इसी चीज को ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ इफ PER ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो ऐसा कर देना, ए प्रिंट कर देना। फिर इसी को नीचे जाके पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 70, और यहाँ पे क्या कर देना, बी प्रिंट कर देना। फिर यहाँ पे जाके एक दफा फिर से प्रिंट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ 60, और फिर मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे क्या प्रिंट कर देना, सी कर देना, और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और उसको कर देता हूँ, कह देता हूँ 50, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देना, डी कर देना, और यहाँ पे क्लिक करके मैं कह देता हूँ सपोज टू बी 40, तो यहाँ पे हमें क्या कर देना है, इसको ई कर देना है, और यहाँ पे जाके हम इसको कर देते हैं लेस देन 40, ठीक है, लेस देन 40, तो यहाँ पे जाके आप इसको क्या करवा देंगे, चलो हम इसको कह देते हैं एवरेज दे देते हैं, फेल तो अब क्या, फेल तो क्या होगा वो, ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज निकाल देते हैं इसका, ठीक है, समझ में आई बात ये। तो चेक करते हैं अब क्या इसका ग्रेडिंग पॉलिसी में आ रहा है ये। अरे भैया ये तो कोई मल्टी टैलेंटेड हो गया, BCDE सब में चला गया, ऐसा डिसीजन मेकिंग पावर दिया। वो रजनीकांत वाली फिल्म देखी थी ना, ना आओ देखा ना ताओ देखा, बस काम करना है उसको भाई, आगे पीछे भी देखना है, है? नहीं ये मसला नहीं है, एल्स कंडीशन नहीं लगाई हमने, प्रोग्राम को एक बात समझाई। अब आप सोचें 2 मिनट के लिए, आप मशीन है, मशीन को हमने क्या कहा कि भाई अगर परसेंटेज 90 और 90 से ज्यादा हो, 90-90 से ज्यादा हो तो A1 दिखा देना, 80-80 से ज्यादा हो तो A दिखा देना। भाई अगर 80 और 80 से ज्यादा होगी तो वो 90 से भी ज्यादा तो होगी, तो वो दोनों परफॉर्म कर देगा, ठंडा गर्म दोनों मिक्स करेगा ना वो। फिर आपने कहा अगर परसेंटेज 60 से ज्यादा हो तो C दिखा देना, अगर उसकी 75 है तो 60 से भी ज्यादा है, वो 50 से भी ज्यादा है, वो 40 से भी ज्यादा है, और वो 70 से भी ज्यादा है, तो तीनों परफॉर्म करेगा वो। तो गाड़ी में एक्सीलेटर तो दिया है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए क्या दिया है, ब्रेक और गियर दिए, ठीक है। अगर आपने एक स्पीड से अगली स्पीड में गियर लगाना है, फिर अगर गियर लगाना है और रोकना है तो क्या लगाना है, ब्रेक लगाना है, और आहिस्ता आहिस्ता ही गियर्स को रिलीज करना है। सिमिलरली अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन था, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम कंडीशन को डबल चेक पे डालेंगे कि भाई ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तुम मशीन हो, ठीक है समझ गए, तुम तो बड़ा गरक करोगे। अब हम बताते हैं, अब यहाँ पे ये कौन सा ऑपरेटर लगा रहा हूँ मैं, हाँ भाई कौन सा ऑपरेटर है, नाम क्या है इसका, हाँ लॉजिकल एंड, हमने कौन सा ऑपरेटर लगाया, लॉजिकल एंड। ये वाला ऑपरेटर क्या काम कर रहा है, इशिता बताएंगी, मतलब तो हाँ मुसीफ, ये क्या ऑपरेटर काम कर रहा है, हाँ एक मिनट पहले उसकी सुनने दो मुझे, फिर तुम्हारी सुनते हैं। हाँ अब तुम बताओ, हाँ करीना तुम बताओ, रिलेशन नहीं बता रहा नाम इसका, रिलेशनल है,
हाँ ये नहीं कह रहा रिलेशन बता रहा है, ठीक है ना, ये रिलेशन भी नहीं बता रहा, वो तो आप इसको पढ़ के बता रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। बेसिकली ये ऑपरेटर कंपेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, सही है ना। हाँ वही तो आपने पढ़ के सुना दिया, तो ये नहीं बताना, ये ऑपरेटर कंपेयर कर रहा है इस वेरिएबल की वैल्यू को इस कांस्टेंट से, ये कंपैरिजन चल रहा है यहाँ पे ना। अब ये ऑपरेटर क्या काम करेगा, देखिए अगर मैं ये ऑपरेटर हटा देता हूँ तो ये मैंने क्या लिखा है, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड वन वन डैश वन 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 कंडीशन, ये एक कंडीशन है, अगर इस कंडीशन के ऊपर कोई काम हुआ तो ये कोड परफॉर्म होगा, अदरवाइज ये कोड परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम कंडीशन में एक और कंडीशन ऐड करना चाहें, लेट सपोज हम ये कह रहे हैं कि आपका एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन फीस जमा करानी होगी 2 लाख रुपए, ठीक है, कितनी जमा करानी होगी, ये एक कंडीशन है, अगर 2 लाख रुपए नहीं जमा कराए तो क्या नहीं होगा। लेकिन अगर कंडीशन पे सेकंड कंडीशन भी है, इंटरमीडिएट में A1 ग्रेड भी होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, ये दो पैरेलल कंडीशंस हैं, और तीसरी कंडीशन भी है, आप यू मस्ट बी 18, कि आप 18 साल के भी होने चाहिए या इससे ज्यादा। तो कंडीशन तीन पैरेलल कंडीशन है, अगर एक भी कंडीशन इनमें से फॉल्स होगी तो दोनों कंडीशन में आप डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने एडमिशन फीस नहीं जमा कराई और आप 18 साल के और इंटर में A1 ग्रेड हैं तो भी आप डिस्क्वालिफाई हैं। मिसाल के तौर पे एडमिशन फीस जमा करा दी और आप 18 साल की नहीं हैं, इंटर में आपका A1 ग्रेड है तब भी आप डिस्क्वालिफाई हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर एडमिशन फीस भी जमा करा दी और आपका इंटर में भी A1 ग्रेड है, और तीसरी चीज क्या थी वो, हाँ तीसरी चीज क्या थी, एज, एज आपकी नहीं है तो भी आप डिस्कलर, आप तीनों चीजों में फॉल करेंगे, एडमिशन फीस भी जमा करा दी, इंटर में ए ग्रेड भी आ गया आपका, और एज भी आपकी 18 और 18 से अबव है, तो आपकी पैरेलल कंडीशन में आप क्वालिफाई होंगे। अब यहाँ पर ये मसला है, तो डबल कंडीशन चेक कैसे करेंगे, डबल कंडीशन चेक करने के लिए यहाँ पर एक लॉजिकल एंड ऐड करेंगे, और फिर से हम कहेंगे कि चेक कर लो, BER की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल 90 के जरूर होनी चाहिए, लेकिन लेस देन होनी चाहिए किससे, इक्वल टू 100 से। सिमिलरली यहां पर क्या लिखेंगे, अब यहां का बताएंगी करीना, क्या लिखेंगे करीना, एंड PER आगे ये ऑपरेटर बताओ ना, क्या लिखेंगे, इक्वल टू आगे, ओके एरर आ गया, देखो तुम्हारा एरर सामने, अगर 90 होगा तो A1 पे चला जाएगा ना, और 90 पे वो A पे जाएगा तो कंप्यूटर तो अपने आप को थप्पड़ मार लेगा, दोनों कंडीशन ट्रू कर देगा, वो Less than 90 होना चाहिए, तो हम इसको यहां से इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, बस अब हमें हमारा सोल्यूशन मिल गया, तो यहां से इसको कॉपी करेंगे एंड देन फिर यहां पे जाके इसको क्या कर देंगे 80, ठीक है, और यहां पे जाके हम क्या कर देंगे 70, और यहां पे जाके हम क्या कर देंगे 60, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे जाके 50, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे जाके, यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि इससे नीचे सारे फेल, उसमें एवरेज में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब रन करते हैं प्रोग्राम को, देखें आउटपुट क्या आ रहा है, सही हो गया आपका आउटपुट, सही है, ग्रेड हो गया हमारा B। अब थोड़ा सा हम वैल्यूज के अंदर वेरिएशन लेकर आएंगे यहाँ पर ऊपर जाके, क्योंकि मैंने इनपुट पे तो सेट नहीं किया हुआ, यहाँ पे वैल्यूज को चेंज करता हूँ, ओके सही, और वैल्यूज को थोड़ा डाउन कर देते हैं इसको, सही जा रहा है प्रोग्राम। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग पावर ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग इफ कंडीशन। अब इसमें मैंने एल्स और एल्स इफ का काम नहीं बताया आपको, डायरेक्टली इफ के कई ब्लॉक्स बना के मैंने ये समझाया है आपको, ठीक है ना। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे थोड़ा सा इसको और आगे सीखेंगे, तो ये समझ में आया आपको कैसे यूज करना है, आउटपुट भी लेना समझ में आ गया कैसे करना है, बिल्कुल ओके ठीक है।